नमस्कार, मैं हूं सलमान खान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर पुलिस द्वारा एक ट्रक से बरामद की गई 1.5 लाख रुपए की कीमत की शराब के मामले में खुलासा किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक अर्चना रावत के मार्गदर्शन में गठित स्पेशल टीम और मकरोनिया थाना के स्टाफ के साथ बीती रात शराब तस्करी की मुखबर से सूचना पर 4 लाइन से बढ़ती माखी और आ रहे ट्रक क्रमांक MP15G4306 की घेराबंदी कर उसका पीछा किया गया। ट्रक को पकड़ने के बाद उसमें 1.5 लाख रुपए की कीमत की 30 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। टीम का गठन किया गया है, जिस टीम का जो उद्देश्य है वो क्राइम कम करना, वो जो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उन पे ध्यान रखना है, उन पे नजर रखना है। इसी के तारतम्य में एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसमें जो मकरोनिया की जो स्टाफ है उनके द्वारा एक 4 लेन से बर्तुमा की तरफ एक आयशा ट्रक का पीछा किया गया था, उसका घेराबंदी की गई थी। पुलिस को देख जो चालक था वो भाग गया। जब आयशा ट्रक का जब चेकिंग की गई, उसकी तलाश की गई, तो उसमें तकरीबन 30 पेटी शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास है। आरोपी अभी फरार है, उनकी तलाश।